ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर स्कूल्स में ये क्वेश्चन आता है कि विच इज मोर इलास्टिक, स्टील की रबर? रबर ऑब्वियसली। नहीं, रबर तो आम बंदा कहेगा, आप क्या बोलेंगे? स्टील। आप कहोगे सर कैसे, ये लो स्टील का पीस, ये लो रबर का पीस, खींचो, देखो रबर खींच गई, स्टील हिली भी नहीं, तो कैसे, कौन इलास्टिक? रबर, पर नहीं स्टील। अब कैसे? ज्यादा खींचने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इलास्टिक है। अब वो कैसे? देखो, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, क्योंकि स्टील का जो यंग्स मॉडुलस होता है वो बड़ा होता है रबर के यंग्स मॉडुलस से। अब यंग्स मॉडुलस जिस भी सब्सटेंस का बड़ा होगा वो मोर इलास्टिक होती है। वाई बड़ा, मोर इलास्टिक, वाई छोटा, कम इलास्टिक, वाई जीरो, नॉन इलास्टिक। ठीक हो गया। अब ये वाई बड़ा क्यों होता है स्टील का, इसको सीखने के लिए आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लें। लिख दिया। आप मुझे सैंपल दें स्टील का और रबर का। स्टील और रबर में मैं सेम फोर्स लगाऊंगा खींचने के, देखो मुकाबला तभी है जब सेम फैक्टर्स से, सारे फैक्टर सेम है। एफ सेम लगाऊंगा, लेंथ दोनों की सेम देना, एरिया भी सेम देना, तो किसका डेल्टा एल ज्यादा होगा? रबर का। रबर का डेल्टा एल ज्यादा, रबर ज्यादा खींच जाएगी, डेल्टा एल ज्यादा। तो अगर डिनोमिनेटर डेल्टा एल ज्यादा तो यंग मॉडुलस कम, और यंग मॉडुलस कम का मतलब लेस इलास्टिक। तो ये प्रूफ है, ये आपने लिख के आना है यहां से। अगर वाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल, तो अगर डेल्टा एल छोटा तो यंग मॉडुलस बड़ा, तो इससे स्टील का डेल्टा एल छोटा होगा और स्टील का यंग मॉडुलस बड़ा होगा, तो स्टील ज्यादा इलास्टिक इन नेचर है, तो ये लिखा हुआ है। तो डेल्टा एल रबड़ का बड़ा होगा, तो यंग मॉडुलस रबड़ का छोटा होगा। तो ये आपने आपने लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये, राइट, ये सारा लिखना है। तो यंग्स मॉडुलस है क्या चीज इन दी एंड, सारा पढ़ने के बाद? यंग्स मॉडुलस रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर लोड, यानी कि इसको बोलते हैं रिकवरेबल, कि कौन ज्यादा रिकवर हो जाता है, जो ज्यादा रिकवर होता है वो ज्यादा इलास्टिक इन नेचर है, राइट। खींचना इज नॉट इलास्टिक, रिकवरी इज इलास्टिक। स्टील खींचते हो रिकवर हो जाएगा, रबर बैंड खींचते हो खींच तो जाएगा, रिकवरेबल कम है, इसलिए रबर कम इलास्टिक है, इन सिंपल वर्ड्स। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, इलास्टिसिटी को कैसे देखते हैं? इलास्टिसिटी ऐसे ही देखिए, कौन खींच गया वापस कौन जाएगा, राइट। तो आपने देखा भी होगा आजकल वो 4-स्टोरीड बिल्डिंग बन रही है, चार चार फ्लोर पंचकुला के अंदर देख रहे हैं बिल्डिंग बनती है, तो सबसे पहले ग्राउंड में क्या डलता है? स्टील। स्टील क्यों? इलास्टिक है ना, कुछ होगा भी तो स्टील वापस आ जाएगा, तो लोड है, लोड हिलेगा तो वापस आएगा। तो अर्थक्वेक जो बिल्डिंग्स हैं वो सब स्टील की हैं सारी, क्योंकि तो इलास्टिक की नेचर है। ठीक है यहां तक? ठीक है, तो कौन कितना रिकवरेबल है, उसका यंग मॉडुलस बड़ा है, वो इलास्टिक है, राइट। तो इसमें बाकी दो स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, अ स्टिफ मटेरियल हैज हाई यंग मॉडुलस, स्टिफ है सख्त है तो वाई बड़ा होगा। तो इसमें इसमें क्या बेसिकली है, एंड चेंजेस इट शेप ओनली स्लाइटली अंडर इलास्टिक लोड लाइक डायमंड, फ्लेक्सिबल मटीरियल है, लो यंग मॉडुलस एंड चेंजेस शेप रबर। तो जस्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, मेन चीज जो आनी है वो यही आनी है, इसको इंपॉर्टेंट करो, इंपॉर्टेंट है।